सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल सफारी व्लॉग्स। तो आई होप आपको कल के व्लॉग में मज़ा आया होगा। सो गाइज आज है हमारा सेकंड डे यहाँ पे, और पीछे देख रहे हो टेंट हमने वहाँ पे लगाया था। और कल का जो व्लॉग रहा वो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा रहा और थोड़े बहुत थक भी गए, क्योंकि बड़ौदा से सीधे यहाँ पे यानी कि सेलवास और गुजरात के बॉर्डर पे एक गांव है, वहाँ पे हम कैंपेन करने के लिए आए थे। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे घूमे, नदी देखी, ये देखा, सीन सीनेरियो देखा, गांव के बारे में जाना, और बहुत ही मज़ा आया। उनके रिलेटिव्स के घर गए, वहाँ पे बातें की, ये वो सब। सो टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। सो गाइज उस वजह से क्या है कि एकदम प्रॉपर जो हम कैंपेन करने वाले थे, मतलब खाना ये वो सब बाहर ही बनाने वाले थे, वो सब बना नहीं पाए, क्योंकि मेरे दोस्त के रिलेटिव के घर गए तो उन लोगों ने फोर्स किया कि भाई आज तो यहाँ पे खा के ही जाओ। सो भाई इतना फोर्स किया, इतना प्यार दिखाया, तो हमने वहाँ पर ही खाना खा लिया। सो आज का जो डेस्टिनेशन है गाइज, यहाँ से हमें पैकअप करना है और हमारे गाँव वलसाड़ की ओर निकलना है। और वलसाड़ में भी हम प्रॉपर कैंपेन करने वाले हैं, टेंट लगाएंगे, ये वो खाना वाना पकाएंगे वहाँ पे ही। सो फुल नाइट कैंपेन होगा वो भी, तो ऐसे ही बने रहना इस चैनल पे, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो गाइज और बेल आइकन दबा दो। बाकी तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहो, प्यार दिखाते रहो और ऐसे ही जुड़े रहो हमारे साथ। वैसे रात को जो है सीधा टेंट लगाया और अंदर गए, सो गए, ये वो थोड़ा बहुत किया। बहुत ज़्यादा ठंड थी गाइज़, ये जैकेट पहना हुआ था फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही थी, यहाँ पे इतनी ठंड लग रही थी, मतलब क्या ही बताओ। फिलहाल तो आप सिनेमेटिक शॉट के मज़े ले लो, हम मिलते हैं थोड़ी देर में, चलो बने रहना। Thank you.
thrown around, but we keep going on believing, and on till we're all cried out, 'cause we don't feel like throwing it all away. गाइज आपको रास्ते के सिनेमेटिक शॉट तो अच्छे लगे होंगे और यहाँ पे जो है हमारा कैंपेन का टेंट सेटअप पूरा रेडी हो चुका है, पूरा मैंने सेट कर दिया है और ये रहा हमारा घर। हम आ चुके अभी वलसाड़ में मेरे घर पे और मैं जो हूँ यहाँ पे कैंपेन करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है बॉनफायर होगा, यहाँ पे हम खाना बनाएंगे, फिर टेंट में सो जाएंगे, ये वो सब और बहुत कुछ करने वाले हैं। गाइस आप सोच रहे होंगे कि घर के सामने मैं क्यों टेंट लगा रहा हूँ और क्यों कैंपेन कर रहा हूँ, जब घर है तो फिर टेंट में रहने की क्या ज़रूरत है। सो गाइस आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे मैंने बताया था मैं कुछ महीनों के बाद लॉन्ग ट्रैवल मोटो व्लॉगिंग करने वाला हूँ। सो बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस मोटो व्लॉगिंग आएगी, ये वो सब, तो उसकी प्रिपरेशन जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे टेंट लगा के, क्योंकि मैं जब जहाँ पे जाऊँगा सोलो ट्रैवल करूँगा या फिर पिलियन होगा मेरे साथ, मेरे को नहीं पता, पर मोस्ट ऑफ सोलो ट्रैवलिंग होगा। सो उससे पहले मुझे जो है टेंट का सेटअप ये वो सब एडजस्ट करना आना चाहिए, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे तुरंत मैं सेटअप कर लूँ, और कैंपेन करने के बाद क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो सब मुझे पहले से पता होना चाहिए। सो गाइज ये जो है मैं लॉन्ग टूर ट्रैवल करने से पहले मोटो व्लॉग करने से पहले की ये प्रिपरेशन मेरी चल रही है। सो गाइज मेरी ये मोटो व्लॉग सीरीज निकालने का रीज़न यही था कि मैं सब कुछ ऐसे टेंट लगाना चाहता था, फिर टेंट में रहना चाहता था, फिर खुद को एडजस्ट करना चाहता था ताकि मैं आगे चल के जब मोटो व्लॉग करूँ, मोटो ट्रैवलिंग करूँ, तब मुझे टेंट में रहना पड़े अकेले ये वो सब, तो मुझे पता रहे कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे करनी है और कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सो अभी से खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मोटो व्लॉग आने वाला है आगे चल के लॉन्ग लॉन्ग टूर के। सो वहाँ पे मैं कैंपेन करूँगा, अकेले रहूँगा, ये वो सब होने वाला है। सो उससे पहले जो है मेरी प्रिपरेशन कैंपेन को लेकर होनी चाहिए एकदम 100% श्योर। तो चलो गाइज यही सब है, बाकी तो क्या है, बाकी अभी बॉनफायर करेंगे ये वो सब, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, बहुत ठंड लगने वाली है गाइज, ट्रस्ट मी बहुत ही ठंड लगने वाली है। यहाँ पे आसपास आप देख लो, पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है, नेचर से भरी हुई जगह है ये। और गाइज सोचा कि जब नेचर हमारे घर के आंगन में ही है तो कहीं और दूर जाके कैंपेन करने का क्या मतलब है। मतलब देखो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गाइज बहुत लोग होते हैं जो ऐसे कैंपेन करना चाहते हैं, ऐसे टूर पे जाके, लॉन्ग लॉन्ग टूर पे जाके कैंपेन करना चाहते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि घर से कहीं दूर जगह जाके ही कैंपेन किया जाता है। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि गाइज ऐसा नहीं होता। अगर आपको कैंपेन करनी हो और आपके पास आपके घर के आसपास कहीं पे ऐसी स्पेस है जहाँ पे आप टेंट लगा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, खाना पीना बना सकते हो, ये वो सब, और एंजॉय कर सकते हो, सो गाइज आप वो जगह पे जाइए नज़दीक में और टेंट लगाइए, ये वो सब कीजिए। और गाइज ये सब एक्टिविटीज़ करने से क्या होता है, आप एक्टिव रहते हो और बहुत कुछ आप सीखते हो। सो यही सब है गाइज चल रहा है, मेरा भी यही सब चल रहा है, बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मुझे जो पसंद है वो मैं कर रहा हूँ और मुझे इसमें खुशी मिल रही है, तो मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरा तो ड्रीम ही था ये सब करना, कैंपेन ये वो लॉन्ग टूर मोटो व्लॉग सब कुछ करना। सो गाइज बस यूट्यूब थ्रू मेरी जर्नी जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो पे, और गाइज नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, मुझे जो है मोटिवेशन मिलती रहेगी आपसे, और बस यू ही हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब थ्रू और प्यार बना रहेगा गाइज। सो क्या करते हैं, अभी अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होने के बाद जो है हम यहाँ पे बॉनफायर करेंगे और जो है वो आपको सिनेमेटिक शॉट में देखने को मिल जाएगा। बाकी तो चलो ये सब देख लो आप, सिनेमेटिक शॉट एंजॉय कर लो, उसके बाद आपके सामने आता हूँ और थोड़ी बहुत बातें करके व्लॉग एंड करता हूँ, ठीक है, आ जाओ। Going on believing, and on till we're
तो सुबह के बज चुके हैं 7 और गाइज ये व्लॉग जो है मैं कल रात को ही एंड करने वाला था, बट हुआ ये कि हम जो हमारे साथ एक्स्ट्रा लाइट कैरी करके लाए थे उसकी बैटरी जो है डाउन हो गई। क्यों डाउन हो गई? क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ किया कल रात को। और गाइज आपने सिनेमेटिक शॉट तो देखे होंगे कि किस तरह से हमने कैंपेन लगाया, ये वो, फिर बॉनफायर किया, फिर खाना बनाया, फिर जो है हम खाना खाए और उसके बाद जो है हमने बहुत सारी बातें की बैठ के, ये वो सब, उसके बाद सीधे आके सो गए। और गाइज ट्रस्ट मी, ठंड तो इतनी ज़्यादा थी कि हम, ये देखो ये कंबल और ये जो है जैकेट, ग्लव्स और सॉक्स पहन के सो गए, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे कि क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा था कि बस अब तो कैसे भी करके सुबह हो जाए, धूप निकले भाई, मज़ा आ जाए। और गाइस इसी तरह से बहुत ही अच्छा रहा हमारा कैंपेन, ये वो सब, बहुत ही मज़ा किया। और सो गाइस आई होप आपको भी बहुत ही मज़ा आया होगा ये व्लॉग देख के। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना गाइस। बाकी तो क्या है, बाकी तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो वीडियो के ऊपर और ऐसे ही प्यार बनाए रखो गाइस। तो यूं ही मेरी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और कुछ ना कुछ करते रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, गुड मॉर्निंग, टाटा।